क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग का यहाँ पर एक्सरसाइज 4.4 है। देखिएगा यहाँ पर सवाल कहता है कि ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस। हमारे पास यहाँ पर टोटल पांच मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और उसमें एक आयन यहाँ पर है, तो यहाँ पर इनके हम लोगों को लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें बनाने हैं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के कुछ स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप को आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग के प्रॉब्लम्स वाले एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके आप लोग आए हुए हैं आगे, तो आप लोग लुईस स्ट्रक्चर के जो स्टेप होते हैं वो आपने जरूर पढ़े होंगे। क्या बेसिकली स्टेप होता है? सबसे पहले हम लोग को जो सेंट्रल एलिमेंट होता है उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग को उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद सराउंडिंग एलिमेंट को एडजस्ट करना होता है, थोड़ा सा उसी में दिमाग लगता है, फिर जा करके हम लोग को सिंगल बॉन्ड सबको अरेंज करके फिर जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको लोन पेयर्स के रूप में हम लोग ये कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पर करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। टोटल हमारे पास यहाँ पर तीन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तीन एलिमेंट में यहाँ पर हम लोग के पास सेंट्रल एलिमेंट सल्फर होगा, दो सराउंडिंग एलिमेंट्स होंगे। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, क्योंकि सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन 286 होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग को अरेंज करना है, 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग अरेंज कर देंगे ऐसे करके, अरेंज कर दिए। वैसे हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में है, इस तरह से जोड़ लेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन तो एक ही होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो है हमारे पास 6 प्लस और 2 हाइड्रोजन का हो गया, तो 6 2 कितना हो गया, 8। 8 इलेक्ट्रॉन में हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को सारे एलिमेंट को सिंगल बॉन्ड से अरेंज कर देना है। कर दिया हमने अरेंज, सिंगल बॉन्ड से अरेंज करने के बाद हम लोग यहाँ पर जो है बचे कितने सिंगल बॉन्ड डालने के बाद हमने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए हैं, 2 प्लस 2 4, है ना, 2 प्लस 2 4 हमने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए हैं। 8 में से 4 का यूज हो गया, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर बना के अरेंज कर दो, तो लोन पेयर हम लोग को यहाँ पर डाल दिए, यहाँ पर डाल दिए। देख लो यहाँ पर कंप्लीट हुआ कि नहीं कंप्लीट हुआ, हाइड्रोजन डुएट कंप्लीट कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया इसका डुएट कंप्लीट है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी डुएट कंप्लीट है, और यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट है। वास्तव में इसका शेप अगर 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, तो इसका शेप बेंट शेप होता है, जैसे H2O का होता है, आपने पढ़ा ही होगा। यहाँ पर इसका शेप कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से एच होगा, इस तरह से एच होगा यहाँ पर। तो कोई दिक्कत है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आप लोग को एग्जैक्ट शेप बनाने की कोई जरूरत है भी नहीं, ठीक है। सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके एलिमेंट को अरेंज करके सिंगल बॉन्ड डाल देना है, सिंगल बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए हो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उसको माइनस कर दीजिए, जितना इलेक्ट्रॉन बचा वैलेंस में उतने को लोन पेयर बना कर अरेंज कर दीजिए, और फिर देखिए ऑक्टेट है कि नहीं है। अगर ऑक्टेट हो गया तो कोई बात नहीं, ऑक्टेट नहीं होता तो क्या होगा वो आगे देखेंगे हम लोग। सिलिकन का यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन 284 होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का 287 होता है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन में। तो क्लोरीन का हो गया 7 चौके 28, 4 क्लोरीन है ना, 28 प्लस 4 32, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास, 32 इलेक्ट्रॉन है। अब सेंट्रल में तो सिलिकॉन है क्योंकि क्लोरीन संख्या ज्यादा है, तो सराउंडिंग में ही होगा। क्लोरीन यहाँ पर डाल दिए Cl, Cl, Cl यहाँ पर डाल दिए, Cl यहाँ पर डाल दिए। पहले तो सबको सिंगल बॉन्ड से अरेंज कर दिए क्योंकि सिंगल बॉन्ड कम से कम तो रहता ही है, डाल दिए हैं। अब यहाँ पर लोन पेयर डाल दी जाइए, तो 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो 32 में से 2 2 4 2 6 2 8 घटा 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कितना बचा, 24 इलेक्ट्रॉन हम लोग को अरेंज करने हैं। क्लोरीन के पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट कर दिए कंप्लीट। तो इसी प्रकार सबका कर दीजिए ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस तरह से हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन थे, और 24 का 24 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में ही आ चुका है। आप जोड़ लीजिए, एक क्लोरीन पर 6 इलेक्ट्रॉन, तो सब पर यहाँ 24 हो गया है, सारे इलेक्ट्रॉन का यूज हो गया और सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो भी गया। सिलिकॉन में यहाँ पर देखा जाए तो 4 बॉन्ड है, तो 4 ऑक्टेट कंप्लीट इसका भी हो गया है। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, वैसे इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल शेप में है इस तरह से, ठीक है, ये उसका हो गया। नंबर 3 की बात कर ले तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन 2 2 होता है, फ्लोरिन का 2 7 होता है, तो 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन फ्लोरिन में हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बेरिलियम में 2 तो 14 2 कितना हो गया, 16। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 16 हो गया। सेंटर में यहाँ बेरिलियम है, दोनों साइड फ्लोरीन को डाल दिए,
सिंगल बॉन्ड डाल दिए, चार इलेक्ट्रॉन का यूज हो गया, अब कितने बचे, 12 इलेक्ट्रॉन बचे। इसका ऑक्टेट इस तरह से कंप्लीट होगा, इसका ऑक्टेट इस तरह से कंप्लीट होगा यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर इसके तो कंप्लीट हो गए, ऑक्टेट इसका भी हो गया, इसका भी ऑक्टेट हो गया। अब बात यहाँ पर यह है कि बेरिलियम की अगर हम बात करें तो बेरिलियम जो है मेनली दो ही बॉन्ड यहाँ पर ये बना सकता है। यहाँ पर ये ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट काम करता है, यहाँ ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट इसका कंप्लीट कभी भी नहीं होगा, ठीक है। BeF2 की बात करें तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। अगर यहाँ ऑक्टेट का चांस अगर होता तो हम लोग क्या करते, यहाँ पर लोन पेयर को बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते, इस लोन पेयर को भी बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते और बेरिलियम को जाता चार बॉन्ड यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता, बट बेरिलियम के पास उतने ऑर्बिटल्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1s2 2s2, यहाँ पर ये जो है इसके पास दो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दो ही सिवस शेयर कर सकता है, ठीक है। अब बात कर ले यहाँ पर हम लोग नंबर 3 कार्बोनेट आयन यहाँ पर है, तो सेंटर में यहाँ पर क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर गिन लो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कार्बन का 2 4 होता है इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन, तो 4 यहाँ से आया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन का 2 6 होता है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 के ऑक्सीजन के हो गए तो 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 या 18। 2 माइनस चार्ज है इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया गया है, वो भी वैलेंस शेल में ही जुड़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा दी, यहाँ पर कितना हो गया, 18 4 22 24 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टोटल कार्बोनेट में प्रेजेंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में। अब यहाँ पर सेंटर में है कार्बन, फिर 3 ऑक्सीजन है, डाल दी 3 ऑक्सीजन हम लोग यहाँ इस तरह से, सब पर सिंगल बॉन्ड डाल दिए, और जाहिर सी बात वैसे बताएंगे माइनस चार्ज किस पर है। अब वैसे यहाँ पर हमारे पास 3 बॉन्ड आ गए हैं तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन का यूज हम लोग कर लिए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिए तो 24 में से 6 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, 24 माइनस 6 18 इलेक्ट्रॉन बचा है हमारे पास। 18 में हम लोग यहाँ पर 6 डाल दिए, 6 12 हो गया, 6 18 हो गया, तो 18 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया है, लेकिन कार्बन के पास यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 ही इलेक्ट्रॉन कार्बन को यहाँ पर है, कार्बन के तो ऑक्टेट के लिए ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन तो उसके पास होता है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर बात करना है जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा हो तो यहाँ पर जिसके पास लोन पेयर है उसमें लोन पेयर को कन्वर्ट कर दो बॉन्ड में, इससे क्या होगा कि लोन पेयर का 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में आ भी गया, इसका भी ऑक्टेट रह ही गया है, देख लो इसके पास 2 बॉन्ड हो गया तो 4 4 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गया है, और इससे कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये फायदा हो गया। और जहां पर ऑक्सीजन पर सिंगल बॉन्ड है वही ऑक्सीजन पर 2 को चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जो है CO3 पर 2 माइनस है ना, जिस ऑक्सीजन के पास यहाँ पर कम बॉन्ड है उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, याद रखिएगा अगर केमिकल बॉन्डिंग में जितने बॉन्ड होने चाहिए एक एलिमेंट को उससे कम बॉन्ड दिख रहा है यानी उस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, अगर ज्यादा बॉन्ड दिख रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, अगर ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड से कहीं पर जुड़ा हुआ रहे तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज होता है, याद रखिएगा इस तरह से। तो ये हमारे पास कार्बोनेट आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब लास्ट में है यहाँ पर फॉर्मिक एसिड है HCOOH, यहाँ पर अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिना जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 होगा, 1 प्लस कार्बन का हो गया 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन का 6, प्लस ऑक्सीजन का 6, प्लस हाइड्रोजन का 1, 4 1 5 6 11 6 17 हो गया, 1 कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टोटल वैलेंस सेल में है। सेंटर में यहाँ पर कार्बन है, सेंटर में कार्बन है, एक साइड यहाँ पर हाइड्रोजन डाल दिए, फिर एक साइड ऑक्सीजन, फिर एक साइड हाइड्रोजन डाल दिए, दोनों हाइड्रोजन को सबसे आउटर साइड में डालना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा यही दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पर कौन एलिमेंट कहाँ पर अरेंज किया गया है, ठीक है, थोड़ा सा यही दिमाग लगाना पड़ता है। अब बात यहाँ पर यही है कि अगर आपने सोचा होगा कि सर यहाँ पर हाइड्रोजन को यही क्यों नहीं डाल दिए, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है, क्या डालने से यहाँ पर कार्बन को फिर बॉन्ड नहीं पूरता, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो ठीक हो जाता है, कार्बन को बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन हम यहाँ डाल देते अगर, तो इससे क्या होता है ऑक्सीजन को 2 ही बॉन्ड हो सकता है, तो यहाँ पर 1 बॉन्ड यहाँ पर, 1 बॉन्ड यहाँ पर जाता, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, 2 ही बॉन्ड कार्बन को हो पाता, बट अगर यहाँ पर ये कर दिए हैं तो जरा दिमाग लगा लो, यहाँ पर 1 बॉन्ड कार्बन को, यहाँ पर 1 बॉन्ड, यहाँ पर 2 बॉन्ड कर देंगे तो 4 बॉन्ड यानी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, इस तरह से यहाँ पर कार्बन के ऑक्टेट को ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबको सिंगल बॉन्ड से अरेंज कर दिए हैं सबको, तो कितना बॉन्ड लग गया, यहाँ पर 4 बॉन्ड लग गए हैं, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन लग गया, बचा कितना इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन में से यहाँ पर इसका ऑक्टेट पहले कर दिए तो यहाँ पर हो गया 6 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर लग गया, फिर 2 8 2 10 यहाँ पर कर दिए। कारण क्या है, तुम कहोगे सर यहाँ पर लोन पेयर क्यों नहीं दिए, तो क्योंकि इसी का लोन पेयर से यहाँ बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा तो दोनों का ऑक्टेट हो जाएगा,
सबका ऑक्सीजन कंप्लीट है, केवल कार्बन का नहीं है। तो इस लोन पेयर को कन्वर्ट किस में कर दिए, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दिए। अब कार्बन का भी ऑक्टेट हो गया, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का भी ड्यूएट कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर फॉर्मिक एसिड का भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, अब अगर केमिकल बॉन्डिंग आप लोग पढ़े हुए हो तो कमेंट करके ये बताना तुम लोग कि इस फॉर्मिक एसिड में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। ये अगर आप लोग थ्योरी पूरा पढ़े हो तब बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं। कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, ये आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, क्योंकि हम लोग यहाँ चेक करेंगे और जिसका सही आंसर होगा उसको पिनअप कर देंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही किसी वीडियो में।